आज आप सबको पता ही है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने तो गवर्नर के यहाँ जाने का पत्र सभी पॉलिटिकल पार्टियों को संभवतः दिया था, तो भारतीय जनता पार्टी को भी दिया। पार्टी की ओर से हमारे अध्यक्ष ने एक सुझाव विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया, विधानसभा अध्यक्ष करें मुख्यमंत्री को, सरकार को। हमें लगता है कि स्थानीय और नियोजन को लेकर के बहुत अधिक राजनीति हो चुका है। अब मुझे लगता है कि अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आप सबको पता ही हो कि जब झारखंड राज्य बना था तो राज्य बनते ही बिहार के काल से चला आ रहा जो खतियान आधारित स्थानीय और नियोजन नीति था उसको हमने लागू कराया था, और इसके बाद कुछ लोग कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट चले गए, और हाई कोर्ट के कहेंगे 5 जजों की, यानी पूर्ण बेंच ही उसको कहिए कि पूर्ण बेंच के जजमेंट आया, और उन्होंने कुछ सुझाव भी दिया, लेकिन उस सुझाव के बाद किसी ने कोई उसका चैलेंज नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गया, और ये डिमांड या मांग ये चलते रहा। और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी के ही रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो उन्होंने भी 2016 में स्थानीय और नियोजन नीति बनाई। लेकिन जब इस प्रदेश में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हेमंत सोरेन जी ने उस नीति को खारिज कर दिया, और फिर उन्होंने एक नया नियोजन नीति लेकर के आए। आप सबके संज्ञान में है वो नया नियोजन नीति, जिसमें से एक तो मामला था कि 10th और 12th झारखंड में जो पास करेंगे, और दूसरा था कि हिंदी और अंग्रेजी को हटा करके उर्दू को उसमें से प्रमुखता दी गई थी। फिर रिजर्व कैटेगरी तो बाहर भी 10th और 12th पास करेंगे तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नौकरी के हकदार हो सकते हैं, लेकिन अनारक्षित कैटेगरी के लोग यहाँ उसका वो अप्लाई नहीं कर सकते। फिर लोग हाईकोर्ट चले गए थे, और मेरी जानकारी में जहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी लगभग 1.5 वर्षों तक मामला चलते रहा, और सरकार ने भी भरसक उस मामले को कोशिश किया और आगे खींचते रहे। और पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में है कि हाईकोर्ट का निर्णय भी आ चुका, और हाईकोर्ट ने, चूंकि हम सब लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये जो जिस प्रकार से उन्होंने नियोजन नीति लाई है हेमंत सरकार ने, वो एक तो तुष्टीकरण है, और दूसरा एक बड़े वर्ग जो अनारक्षित कैटेगरी के, उनके बच्चे बाहर भी अगर 10th और 12th पास किए वो भी यहाँ वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, उसके हकदार नहीं है। तो ये अव्यवहारिक था, और उसके उसी समय से हम सब लोग विरोध भी कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि भाई ये गलत है, ये कोर्ट में ये टिकेगी नहीं। लेकिन सरकार अपनी जीत पर डटी हुई थी, और फिर कोर्ट का जजमेंट आया हम सबके सामने। अब झारखंड के बच्चे, अब का भविष्य जिसको कहते हैं अंधकारमय हो गया। अब यहाँ के बेकार बेरोजगार नौजवान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, और हेमंत सोरेन के जो अखबारों में जिस प्रकार से बातें आई है कि शायद उस मुद्दों को लेकर के वो सुप्रीम कोर्ट जाने की शायद वो सोच रहे या बात कर रहे जो अखबारों में आया, तो पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि हेमंत सोरेन जी को कि उसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट जाने की कोई जरूरत नहीं है, अपनी जिद पर उनको अड़े नहीं रहने चाहिए।
और दूसरा जिसे वो 11 नवंबर की कह रहे हैं कि ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित हुआ, जिसकी वो चर्चा कर रहे, जिसको लेकर के गवर्नर के पास जाने की बात हो रही, तो मैं ये कहूंगा कि हाई कोर्ट ने एक सरकार को एक अच्छा अवसर दिया है और फिर से झारखंड में ही बैठ करके सरकार को तय करना चाहिए और नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनानी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों जो कोर्ट में या 2002 में भी या 3 में जो कोर्ट का निर्णय आया, उसमें भी जिन जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने जो आपत्ति की है, उन आपत्तियों का निराकरण करते हुए और इस समय भी कोर्ट में जिन जिन बिंदुओं पर उन्होंने आपत्ति किया है, उन सारे चीजों का निराकरण करते हुए, क्योंकि स्थानीय और नियोजन नीति बनाने का झारखंड सरकार को ये अधिकार है, न कि वो अपने दायित्वों से सरकार भागे और केंद्र के मथे पर मड़े, तो मुझे लगता है ये गलत हो रही है और गलत होगी। तो इसलिए सरकार को उस पर पुनर्विचार करनी चाहिए और यहीं पर बैठ करके उसको तय करना चाहिए। क्योंकि जिस वो नवी सोची की बात कर रहे हैं कि उसमें दर्ज हो, नवी सोची में उसको डाला जाए कानून बना करके, तो आप सब लोगों के संज्ञान में मैं लाना चाहता हूं कि आप सबको ध्यान में आए कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय में IR क्या कोल्हो करके मामला था, उसमें उन्होंने जजमेंट दिया है और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, खंडपीठ का जजमेंट, और उसमें अदालत ने कहा है कि कोई भी कानून को नवीं अनुसूची में डालने मात्र से वो कानून नहीं बन जाता है, कि अदालत उसको समीक्षा कर सकती। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार अपनी जिद में अड़ करके और ये रास्ता अपनाए, तो मुझे लगता है कि और झारखंड के नौजवान अंधेरे की गलियों में और भटकते रहेंगे। और आप सबको ध्यान में है पिछले दिनों जो मैं एक बात का उल्लेख यहाँ करना चाहता हूँ, जो कि आज सार्वजनिक डोमेन में सारे मामले, नेशनल जुडिशरी जो अपॉइंटमेंट कमीशन भारत सरकार ने पार्लियामेंट से कानून पारित किया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर समीक्षा की है, अब सबके संज्ञान में। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार को और झारखंड वासियों का ध्यान में रख करके, यहाँ के नौजवानों के भविष्य को ध्यान में रख करके, और सरकार अपनी हट पर नहीं रहे, जिद पर नहीं रहे, क्योंकि मामला राज्य सरकार को करना है और फिर राज्यपाल से जा करके डेलीगेशन और राज्यपाल के ऊपर दबाव डालना, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में ये भी उचित नहीं है। वो भी कानून विशेषज्ञों से अपना राय विचार लेंगे। इसलिए मैं कहूंगा कि इस अवसर का हेमंत सोरेन को उपयोग करना चाहिए और अपना जिद छोड़ करके, और पिछले दिनों दो दो निर्णय अदालत से आ चुके हैं, उस निर्णय के आलोक में उसमें से जिन जिन बिंदुओं पर कोर्ट ने पॉइंटेड किया है, उन बिंदुओं की समीक्षा करके और स्थानीय और नियोजन नीति, चाहे वो खतियान आधारित हो, चाहे 1932 हो, या जो भी उनको बनाना हो, हमारी पार्टी सरकार को साथ देने के लिए तैयार है, लेकिन झारखंड के बच्चों के साथ इस प्रकार की जो खिलवाड़ हो, बच्चे सड़क पर घूमते रहे, और जो काम झारखंड सरकार को करना, उसको हम और दूसरों के पल्ले में डाल करके अपने आप को बचने की कोशिश करना, मैं समझता हूँ कि निरा ये गलत होगी और झारखंड के बच्चों के और झारखंड वासियों के वो हित में नहीं, और इसलिए हमारा ये झारखंड सरकार को सुझाव है हमारी पार्टी की ओर से।
मुझे लगा कि मैं पार्टी की जो सुझाव है वो सरकार तक भी हम लोगों ने लिखित रूप से भिजवा दिया है और आप सब लोगों के बीच भी मैंने इस विषय को। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।